भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जिला ऊना में बारिश के कारण टकारला से लोहारली जाने वाली समा नदी के बीच पुली टूटने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा और वहां पर एक जीप पानी में लटक गई और फिर लोगों ने मिलकर सामान निकाला। दोपहिया वाहन वहां से अपने रिस्क का सामना करते हुए पानी के बीच से ही आ जा रहे हैं। बरसात के दिनों में आए दिन पुली टूटने के कारण लोगों को बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग वहां से रिस्क लेकर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और कई परिवार छोटे छोटे बच्चे भी वहां से बेखौफ निकलते हैं, जिसके कारण लोगों की जान का खतरा वहां पर बना ही रहता है। पानी का बहाव तेज ही रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियां जाम हो जाती हैं और लोग पैदल भी जाने को मजबूर हैं। जहाँ जो गाड़ी फंसी है उनके जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं कि भाई क्या कारण बना जहाँ गाड़ी फंसने का? ये पानी की वजह से हो रहा है। इतने टोए डाले हैं, मैं जो साफ रास्ता पता नहीं लगता पानी में कौन सा टोया है, कहाँ रास्ता है, कहाँ नहीं है, पता चलता ही नहीं। उसकी वजह से गाड़ी को दिक्कत हुई। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ऊना से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।